हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंट्रो और आउट्रो कैसे बना सकते हैं। तो इंट्रो और आउट्रो बनाने के हम आपको दो मेथड्स बताएंगे। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। तो हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हम अपना यूट्यूब वाला रेशियो लेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद अभी हम लोग वीडियो वाले सेक्शन में हैं। तो यहाँ पर कोई भी वीडियो ऐड करने से पहले हम यहाँ पर एक इंट्रो लगाएंगे। तो पहले मैं आपको प्रीमियम जो मेथड है वो आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वीडियो टेम्पलेट पे, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, सिंपल, फैमिली, स्केच, समर, तो ये कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है। तो आपका यूट्यूब चैनल किस कैटेगरी का है उस तरह का आप यहाँ से एक टेम्पलेट ले सकते हैं। तो मेरा है टेक वाला, तो मैं यहाँ पे एक टेक वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ। इंट्रो और आउट्रो के लिए पूछ रहा है कि आपको ये टेम्पलेट इंट्रो में लगाना है या आउट्रो में लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसको एज इंट्रो पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको हम यहाँ से पहले इसके बराबर करते हैं। तो ये दोनों लेयर हमको एक साथ रखनी है, और इसकी टाइमिंग आपको कितनी रखनी है वो आपके ऊपर है। तो इसको मैं 5 सेकंड तक ही रखूँगा, और इसको मैं इस नीचे वाले लेयर को भी बराबर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये बराबर हो चुकी है। और यहाँ पे फ्यूचर अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर हम अपने चैनल का नाम डालते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने चैनल का नाम यहाँ पे देना है। तो मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे दे देता हूँ। और इसको अब यहाँ से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कितना आपको रखना है। तो कुछ इस तरह से आपका इंट्रो लगेगा जब प्ले होगा। ठीक है, तो अब इतना काम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो एक ऐड करनी है जो आपको अपलोड करनी है। प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक वीडियो ले लेनी है। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से एक वीडियो ले लेता हूँ। और हमने वीडियो ऐड कर ली है। अब क्या करना है, अब आपको आउट्रो लगाना है, सबसे लास्ट में यहाँ पे आउट्रो लेगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है वीडियो टेम्पलेट पे, और यहाँ से अब आपको एक आउट्रो ले लेना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको आउट्रो देखने को मिल जाएंगे, और चलिए मैं यहाँ से एक आउट्रो ले लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो चुका है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपसे पूछेगा, तो यहाँ एज आउट्रो पे क्लिक कर देना है। तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा आपकी वीडियो के। तो इसको हमने ऐड कर लिया है, और इसको भी मैं 5 सेकंड तक ही रखूँगा। और इसको हम यहाँ से बराबर कर लेते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये चारों लेयर बराबर हो गई हैं। तो इसमें क्या क्या आपको ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये थैंक फॉर वॉचिंग पहले से ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और नीचे वाली जो लेयर है सेकेंड लेयर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी दे देनी है। तो चलिए मैं इसे आईडी दे देता हूँ। और हमने यहाँ से ओके कर दिया है, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसी तरह आपको ट्विटर और फेसबुक का अपना चैनल का नेम या जो पेज हो वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो ये आपका आउट्रो बन गया है। चलिए वीडियो पे हम क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह से शो होगा। और अभी यहाँ पर आपको 3 टेम्पलेट दिख रहे हैं जो कि खाली हुए हैं। तो ये है एंड स्क्रीन की, और जो बीच वाला है ये आपके चैनल का। ठीक है, जब आप वीडियो अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना एंड स्क्रीन लगा पाएंगे।
तो ये हो गया आपका आउट्रो। हम फिर से प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपका आउट्रो दिखेगा। दोस्तों इंट्रो और आउट्रो बनाने का जो मैंने पहला मेथड बताया वो था प्रीमियम, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक मेथड। तो अब आपको उसी तरह वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जो बेसिक मेथड होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, और आपको क्या करना है यहाँ पे फोटो वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक कलर बोर्ड ले लेना है। आपका इंट्रो किस कलर का होना चाहिए वो यहाँ से एक कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इतना हमारा काम हो गया है, और अब क्या करना है, अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है, और यहाँ पे एक अब आपको यहाँ से एक टेक्स्ट वाला टेम्पलेट चूज़ कर लेना है। तो इसमें बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे, तो मैं ये वाला टेम्पलेट ले लेता हूँ। और अब आपको क्या करना है, पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको चैनल का नेम दे देना, तो मैं अपने चैनल का नेम दे देता हूँ, और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देना है। और अब यहाँ से आपको प्ले करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। वैसे ये बेसिक तरीका भी बढ़िया है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना म्यूज़िक लगा देना है। तो आपका इंट्रो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं बताता हूँ कि आप बेसिक आउट्रो कैसे बना सकते हैं ये। तो चलिए मैं आपको बेसिक एक आउट्रो बना के दिखा देता हूँ। हम यहाँ से एक वीडियो और ले लेते हैं, तो हम वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो मेथड वही है यार, और यहाँ पे फोटोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कलर बोर्ड ले लेंगे, हम ब्लैक वाला ही लेते हैं। यहाँ पर हमको एक टेम्पलेट ले लेना है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो ये वाला हम एक टेम्पलेट ले लेते हैं, और इसको हम के बराबर करते हैं, इसमें वन टाइप करना है, और फिर पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट करना है, और यहाँ पर इसको कट कर देना है। और अब आपको लिखना है थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अब ये बनकर रेडी हो चुका है, हम इसको प्ले करते हैं। कुछ इस तरह आपका आउटपुट दिखेगा। तो यार मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, प्रीमियम और बेसिक। तो जो आपको सही लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और पावर डायरेक्टर के बेसिक फीचर्स या फिर ऑडियो एडिटिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो को पसंद आएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।